22 नवंबर को होने वाले महापौर चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली, और वहीं जिस तरह प्रदेश में भाजपा शिवसेना की युति टूट गई तो उल्लासनगर में युति कैसे चलेगी। बता दें कि उल्लासनगर महानगर पालिका पर भाजपा साई पार्टी और टीम ओमी कालानी की सत्ता है, और हाल ही में शहर की महापौर पंचम ओमी कालानी का कार्यकाल पूरा हो गया है और नई लॉटरी के अनुसार उल्लासनगर में जनरल ओपन निकला है, जिसके बाद शहर में नए नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। और भाजपा और साई पार्टी में करार हुआ था कि पहले सवा साल भाजपा, दूसरे टर्म टीम ओमी कालानी और तीसरे टर्म में साई पार्टी को महापौर पद मिलने वाला है। तो वहीं टीम ओमी कालानी ने आज कहा कि अगर भाजपा नगर सेवक विजय पाटिल या डिंपल ठाकुर को महापौर पद देते हैं तो हम भाजपा के साथ रहेंगे, नहीं तो हमारे पास और नए विकल्प खुले हैं और युति टूट सकती है। कोई प्लान नहीं है भाई, अपन प्लान नहीं बनाते। हाँ, लेकिन साई पार्टी इच्छुक है। आपने बीजेपी के पास डिमांड किया है उसका? बीजेपी के पास डिमांड की बात नहीं है, हम एज अ पार्टनर बीजेपी और हमारे बीच में एग्रीमेंट है कि ये पीछे के जो 2.5 साल हैं उसका महापौर साई पार्टी के पास रहेगा। कल ये हमारा करारनामा है। कल जम्मू पोसवानी जी ने कहा कि साई पार्टी का जो भी एग्रीमेंट है उसके तहत उनको सारे पद दिए गए हैं, आगे भी दिए जाएंगे, तो उसमें उन्होंने महापौर पद का जिक्र नहीं किया। जम्मू जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो जो कहते हैं वो उनके पार्टी तक ही सीमित है, हम जो कहते हैं वो हमारे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो करारनामा है उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। भाई वो जो करारनामा है वो लिखित है कि ऐसे ही है? जी हाँ, वो लिखित है, उसके ऊपर माननीय हमारे रविंद्र चौहान साहब जी के हस्ताक्षर हैं, मेरे हस्ताक्षर हैं। ये 2.5 साल पूरा दिया गया है उसमें? जी हाँ। साई पार्टी का प्रत्याशी कौन रहेगा? साई पार्टी का प्रत्याशी साई पार्टी बैठ के तय करेगी। अपना शेरी लूट किस पार्टी में आता है? साई पार्टी में आता है। वो कहता है कि मैं प्रत्याशी हूँ? अच्छी बात है, हमारे साई पार्टी के जितने 11-12 नगर सेवक हैं वो सब प्रत्याशी हैं। अगर आपके करारनामे के अनुसार आपको 2.5 साल के लिए महापौर पद नहीं दिया जाता है तो साई पार्टी का अगला कदम क्या? दादा, हम हमेशा आशावादी रहे हैं, पॉजिटिव रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपने वचन के ऊपर कायम रहेंगे और हमें देंगे। की स्थापना हुई थी वो टीओ के, भारतीय जनता पार्टी और साई पक्ष, ऐसे तीनों पक्षों को मिलाकर हमने गठबंधन किया था और सवा सवा साल के महापौर भी बैठे थे। पर राजनीति कुछ और बदलाव आई और भारतीय जनता पार्टी ने हमको धोखा दिया। उस धोखे के अनुसार हमारे भारतीय जनता पार्टी से सभी नगर सेवक, पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता बहुत नाराज है। आदरणीय ओमी कलानी जी इसके ऊपर निर्णय लेंगे, पर यह तय है कि वेट एंड वॉच के साथ साथ हम आने वाले समय पर ओमी कलानी जी मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे। देखिए, करारनामा जो हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, साई पक्ष के अध्यक्ष, इन लोगों में जो करारनामा हुआ था, कल मैंने आपके ही पत्रकारों के माध्यम से देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष कह रहा है कि मुझे उस करारनामे का पता ही नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। तो बहुत हास्यपदक बात है कि एक तरफ आमदार चुनाव में लड़ते वक्त उन लोगों को इस तरीके का आश्वासन देना, और आज साई पक्ष की वजह से उल्लासनगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का आमदार है और आमदार चुनाव में जब मदद लगती है तब इस तरीके से ये आश्वासन देते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है अब वो खुद चुन कर आ गए, अब उसके बाद उनका कहना है कि मुझे कोई करारनामा की बात ही नहीं है। तो ये धोखेबाज पार्टी है, ये जब जब भी वक्त आता है अपने वक्त पर लोगों को यूज़ करते हैं और वक्त ख़त्म होने पर इनको करारनामा इसको पता नहीं रहता है, करारनामे पर क्या चर्चा हुई वो भी अब उनको पता नहीं रहेगा। तो जीवन इंद्रानी खुद भी बहुत होशियार व्यक्तिमत्व है और वो भी अच्छा निर्णय लेंगे मुझे लग रहा है। वो तो हमारा 5 साल का गठबंधन है टीओ के और भारतीय जनता पक्ष का, पर इसके ऊपर योग्य निर्णय जो है वो ओमी कलानी जी लेने वाले हैं।
और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी होगा वो शहर हित के लिए होगा, जो भी महापौर होगा वो शहर का विकास और सुरक्षा के मद्देनज़र बिठाया जाएगा, जिस जो भी निर्णय होगा वो सभी को साथ में लेकर होगा, पर जो भी निर्णय होगा वो ओमी कलानी जी मास्टर स्ट्रोक के साथ में शहरवासियों के साथ में जाएंगे। जितने भी नगर सेवक हमारे साथ में हैं, सबके सब नगर सेवक पहले जो हमारे साथ में थे वो आज भी हमारे साथ में हैं, उतने नगर सेवक हमारे पास है जो सत्ता बनाने में भी काम में आ सकते हैं और सत्ता बिगाड़ने में भी काम में आ सकते हैं, इतने सारे नगर सेवक की संख्या हमारे साथ में है। ये जब जब भी चुनाव आता है तो इस तरीके के माहौल बनते रहता है कि गुप्त मीटिंग हुई है, हम करेंगे तो खुलेआम करेंगे। ओमी कलानी कभी गुप्त मीटिंग और गुप्त चर्चाओं के ऊपर विषय पर कभी विश्वास नहीं रखते, जो भी होगा वो शहरवासियों के सामने होगा। एनसीपी का रोल क्या रहेगा? अब वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो भी जिला अध्यक्ष है, जो गट नेता है, उनका रोल क्या रहेगा वो आप महानगरपालिकेच्या महापौरासाठी आणि उपमहापौरासाठी शिवसेना दावा करणार आणि महापौर पण शिवसेनेचा होईल। राज्याच्या राजकारणाबद्दल जास्त काय बोलणार नाही, पण जे काय सध्याची परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीमध्ये जे काय वरिष्ठांचा आदेश आणि निर्णय, ह्या आदेशानेच आम्ही इथे खाली काम करू आणि वरिष्ठांचा जो निर्णय असेल त्याचं पालन करू। अभी आपको मालूम आहे की कल ही राज्य सरकारने उसका ड्राव निकाला है और वो सब ओपन जनरल महापौर हुआ है, कोई भी खड़ा रह सकता है। और ऐसे समय पे शिवसेना के 25 नगर सेवक है और 25 में से कोई भी एक महापौर बनेगा तो महापौर जो पार्टी का आदेश रहेगा, जो पार्टी जिसके नाम की घोषणा करेगा उसका फॉर्म भरेंगे और उसका फॉर्म भरने के बाद उसको महापौर बनाने के लिए भी शिवसेना अच्छी तरह से कोशिश करेगी। खाली आम्ही काम करत असतो, जो काही निर्णय पक्षश्रेष्ठी घेतील त्याचा इथे मी तंतोतंत पालन उल्हासनगरमध्ये करू। देखिए अभी जनरल कैटेगरी का महापौर का यह 2.5 वर्ष का कार्यकाल है, अभी तक महापौर के चुनाव की एजेंडा निकली नहीं है। एजेंडा निकलने के बाद पार्टी के हमारे आदरणीय कुमार आलानी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, जो कोर कमेटी की बैठक रखेंगे और कोर कमेटी की बैठक में जितने भी नाम आते हैं उन नामों पर चर्चा होने के बाद वह नाम प्रदेश कार्यकारिणी में जाते हैं। प्रदेश के हमारे अध्यक्ष, हमारे माननीय मंत्री श्री रविंद्र चव्हाण जी, वह जो भी निर्णय लेंगे, सभी जो इच्छुक उम्मीदवार होंगे उनको वो मान्य होगा और वही यहाँ पर नामांकन भरेंगे। साई देखिए माननीय मंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे वो सभी को मान्य होगा। महापौर जो होगा भारतीय जनता पार्टी का होगा, जो हमारी एग्रीमेंट साई पक्ष के साथ में है, आज तक उस एग्रीमेंट के हिसाब से सभी पद हमने साई पक्ष को दिए हैं, आगे भी जो भी पद उनके एग्रीमेंट में हैं वो सब उनको दिए जाएंगे। हमारी पार्टी के अंदर जो भी एक बार कमिटमेंट होता है वह पूरा होता है और 5 वर्षों तक यह युति कायम रहेगी। देखिए शिवसेना के बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, वो उनके पक्ष का निर्णय है, वो क्या निर्णय लेते हैं वो शिवसेना के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी बताएंगे आपको। कोई प्लान नहीं है भाई, अपन प्लान व्लान नहीं बनाते, हाँ लेकिन साई पार्टी इच्छुक है। आपने बीजेपी के पास डिमांड किया है उसका? बीजेपी के पास डिमांड की बात नहीं है, हम एज अ पार्टनर बीजेपी और हमारे बीच में एग्रीमेंट है कि ये पीछे के जो 2.5 साल हैं उसका महापौर साई पार्टी के पास रहेगा। कल ये हमारा करारनामा है। कल जम्मू पोसवानी जी ने कहा कि साई पार्टी का जो भी एग्रीमेंट है उसके तहत उनको सारे पद दिए गए हैं, आगे भी दिए जाएंगे, तो उसमें उन्होंने महापौर पद का जिक्र नहीं किया। जम्मू जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो जो कहते हैं वो उनके पार्टी तक ही सीमित है, हम जो कहते हैं वो हमारे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो करारनामा है उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। भाई वो जो करारनामा है वो लिखित है कि ऐसे ही है? जी हाँ, वो लिखित है, उसके ऊपर माननीय हमारे रविंद्र चव्हाण साहब जी के हस्ताक्षर हैं, मेरे हस्ताक्षर हैं। ये 2.5 साल पूरा दिया गया है उसमें? जी हाँ। साई पार्टी का प्रत्याशी कौन रहेगा? साई पार्टी का प्रत्याशी साई पार्टी बैठ के तय करेगी। अपना शेरी लूट किस पार्टी में आता है? साई पार्टी में आता है। वो कहता है कि मैं प्रत्याशी हूँ? अच्छी बात है, हमारे साई पार्टी के जितने 11-12 नगर सेवक हैं वो सब प्रत्याशी हैं। अगर आपके करारनामे के अनुसार आपको 2.5 साल के लिए महापौर पद
नहीं दिया जाता है, तो साई पार्टी का अगला कदम क्या? दादा, हम हमेशा आशावादी रहे हैं, पॉजिटिव रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपने वचन के ऊपर कायम रहेंगे और हमें देंगे।